तो पिछले एक महीने से हमारा रमज़ान चल रहा था, द होली मंथ, और किसी ने बहुत खूब कहा है कि द ऑलमाइटी मेड यू द वे यू आर फॉर अ पर्पस, इट वॉजन बाय एक्सीडेंट, ही विल नेवर नेगलेक्ट यू, यू विल नेवर बी लेफ्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। गॉड ने आपको बनाया है कुछ ना कुछ रीजन के लिए, इट वॉजन बाय एक्सीडेंट, सो वो कभी आपको नज़रअंदाज नहीं करेगा, आपके हक में जो लिखा होगा वो आपको जरूर मिलेगा। तो कुछ इसी तरह बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से और बड़ी खुशी से हमने रमज़ान का पूरा महीना निकाला। एंड सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब लास्ट डे हो और आप ईद का चांद देखने के लिए बाहर निकलते हो। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ईद का चांद नज़र आ गया है, तो इंशाल्लाह कल ईद होगी, आपको भी दिखाता हूँ ईद का चांद। ये रहा, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, क्या बोल रहा है, बहुत ही खूबसूरत है देखो। यस, अभी चांद देखने के लिए आया था और फाइनली हमें दिख गया है, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि कल ईद होगी। बाय द वे, ईद के दिन तो काफ़ी सारी खाने के लिए चीज़ें बनती है, बट जब आप खीर को टेस्ट करेंगे तो आपके दिल से एक ही आवाज़ आएगी कि इससे अच्छी खीर मैंने कभी नहीं पी। अस्सलाम वालेकुम ख्वादीन हज़रात, कैसे हो आप सब, होप यू ऑल आर फाइन। और सबसे पहले तो ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और अभी बज रहे हैं 10, क्योंकि है ना सुबह से बहुत जल्दी उठ गए थे 5 बजे के, बट हमें टाइम ही नहीं मिला, अभी ही फ्री हुए हैं। और हमारे साथ है अभी यहाँ पे हदी, यहाँ पे सऊदी के डॉन है हमारे साथ, थोड़ा दिखा दीजिए अपना, सऊदी के मालिक है, डॉन है, और ये भी सानी है। और अभी है ना हम फ़ोटो शूट करेंगे तो वो आपको दिखाएंगे और वो फ़ोटोज़ आपको इंस्टा पे देखने को मिल जाएंगे। ईद के इस मौके पर मिठाई और खाना पीना तो बनता है, चलना।
क्या कर रहा है? चलिए भाई सऊदी के डॉन। सो ईद के दिन हमने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि हमने हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड किया था। तो नेक्स्ट डे हम गए थे मूवी देखने के लिए। I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low. 'Cause losing you was worse than losing hope. And baby, I could never let you go. You're the one good thing I know. एवरीवन, हम गए थे अभी मूवी देखने के लिए। सलमान भाई का नया वाला आया है वो, एंड मूवी का रिव्यू मैं आपको क्या बताऊँ। मूवी है ना मस्त है, और उसमें जो कलर ग्रेडिंग किया है ना वो पूरा कलरफुल मूवी बनाई है। एंड है ना उसमें जो शॉट्स लिए हैं ना एक्शन शॉट्स, और वाह मज़ा आ गया। क्योंकि हम व्लॉगर हैं तो हमें भी ऐसे शॉट्स ट्राई करना है लेने के लिए, तो हम वो ज़्यादा गौर से देखते हैं स्टोरी को भी, और ये सब चीज़ें भी हम देखते हैं कलर ग्रेडिंग कैसी की है, ड्रोन शॉट्स कैसे लिए हैं, और मज़ा आ गया। आदि तेरे को कैसा लगा मूवी? अच्छा लगा, अच्छा था। कलर ग्रेडिंग मस्त थी ना, कलरफुल था एकदम मस्त। और अभी है ना हम अजमलगढ़ आए हैं क्योंकि वहाँ से अजमलगढ़ ही पास में हमें पड़ता है, और यहाँ पे है ना बहुत पीस रहता है, इतनी भीड़ भी नहीं रहती, इसलिए ना हम इधर ही आते हैं और बैठते हैं और मज़ा करते हैं। तो सोचा कि मैं आपको भी बता देता हूँ कि यहाँ अजमलगढ़ आए हैं, और यहाँ पे है ना मस्त पीस है, मस्त ठंडी हवा चल रही है, और इधर पे बैठे हुए हैं। इसी तरह हमने हमारा सेकंड डे भी स्पेंड कर दिया, और हमने इस वीडियो में बस इतना ही रखा है, इतना ही रिकॉर्ड किया है जितना हो सका मैंने आपको दिखाया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस।